अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे किचन में बन रहा है कीमा आलू। मैंने कहा कि ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी कीमा आलू की शेयर करूँ, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, टमाटर लिए हैं बारीक बारीक काट लिए हैं, प्याज लहसुन बारीक बारीक काट लेंगे, आलू बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं, कीमा लिया मैंने फ्रिज में मैंने फ्रीज किया हुआ था, स्पाइसेस लिए हैं जीरा हल्दी अदरक का पाउडर है, नमक लाल मिर्चें हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। झटपट और इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी और आसानी से। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर के अंदर हमने पानी डाल लिया और कीमा डाल लिया। अब प्याज डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे, स्पाइसेस सारे डाल लेंगे, नमक मिर्च हल्दी और अदरक का पाउडर जीरा कुटी हुई लाल मिर्चें सब कुछ डाल लेंगे। लहसुन को पीस लिया, अब डाल देंगे लहसुन भी। सब चीजें डालिए, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। फिर साथ मेरे भाई समोसे लाए थे, जलेबियां लाए थे, समोसे लाए थे, चटनियां मीठी चटनियां, क्योंकि मेरा भतीजा ना चार भाई के साथ चलना शुरू हो गया था और खड़ा भी होना शुरू हो गया था, तो माशाल्लाह उसी खुशी में भाई ने फिर हमें ट्रीट दी समोसे और जलेबियों की। आप भी खाइएगा, ये देखिए कितने मज़े के समोसे और जलेबियाँ लग रही हैं। आपको भी जलेबियाँ पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, समोसे भी पसंद है और जलेबियाँ भी पसंद है। भाई ने पूछा क्या खाना है, हमने कहा समोसे और जलेबियाँ। मीठी चटनी दिया, नमकीन चटनी दिया, जलेबियाँ भी हैं, पतपासी गरम गरम और समोसे भी गरम गरम थे, बहुत ही मज़ेदार समोसे हैं, गरम गरम है। और सारे माशाल्लाह कहिएगा और दुआ करिएगा। देखिए हमारा कीमा हो रहा था, पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे हम, प्याज टमाटर लहसुन हमारा गल चुका है, अब हम सब्ज मिर्चें डाल लेंगे। ऑयल डाल लेंगे, अच्छी तरह से मछली मदद से हिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा इधर के माल तैयार हो रहा है। जब इसकी बनाई कर लेंगे फिर आलू डाल लेंगे। देखें अच्छी तरह कीमे की बनाई हो गई, अब इसके अंदर आलू ऐड कर लेंगे।
अब हम आलू डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। ये हमने दम पे रख दिया ताकि हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएं। फिर आपको हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए कीमा आलू के फाइनल लुक तैयार हो गई है। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करें, मेरी इंस्टा की आई डी है नाहल मुस्कान व्लॉग्स के नाम से। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।